हेलो स्टूडेंट्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स में आपको कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस नॉलेज दिया जाएगा। इसमें आपको ऑफिस में कैसे कंप्यूटर में वर्क होता है, इंटरनेट का कैसे यूज करते हैं, कैसे लेटर नोटिस और किस प्रकार से ऑफिस के डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, एक्सेल में कैसे काम करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, फोटोशॉप कोरल ड्रा में ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करते हैं और भी बहुत कुछ आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स में सिखाया जाएगा, जिसकी जरूरत आज हर किसी ऑफिस में होती है। क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हमारी संस्था का एक ऐप है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे, जी हां घर बैठे, ऑनलाइन 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि अभी GDS की वैकेंसी निकली हुई है इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत। इसमें इस सर्टिफिकेट की बहुत डिमांड है और अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होता है तो जॉब में कई लोग अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप रेगुलर जो हम क्लासेस देंगे आपको 60 डेज की, जिसमें आपको पूरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, यदि आप इसके साथ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए। सबसे पहले तो ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप को अभी तक 1,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया है और कोर्सेस को ज्वाइन किया है, अपना सर्टिफिकेट और डिप्लोमा घर मंगवाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उनका वेरिफिकेशन लेटर भी हमारे पास आया है। ये सारी चीजें आपको हमारी संस्था के माध्यम से पूरी सर्विस दी जाएगी। तो यदि आप इस कंप्लीट 60 डेज कोर्स के साथ सर्टिफिकेट भी चाहते हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अब हम जो डे 60 तक की क्लास शुरू कर रहे हैं उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक है जो समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने जैसे ही DCA PGDCA कंप्यूटर कोर्स या कुछ भी अपन कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करने जाते हैं तो हमको कंप्यूटर में प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमको माउस की वर्किंग आनी चाहिए और माउस की वर्किंग सीखना है तो उसके लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंट ब्रश से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। पेंट ब्रश को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में एसेसरीज़ में मिलेगा पेंट ब्रश, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक पहले से इंस्टॉल्ड रहता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पेंट जो है सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्राइंग करने के लिए। आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि आपके पास एक ड्राइंग कैनवास लिया हुआ है आपने, मतलब आपके पास एक पेज है, ब्लैंक पेज है, वाइट कलर का ड्राइंग शीट जिसको बोलते हैं, और आपके पास ब्रश दी गई हैं, आपके पास पेंसिल दिया गया है, आपके पास अलग अलग टूल्स दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर कुछ भी ड्राइंग बनानी है, डिज़ाइन बनानी है। वो आप ड्राइंग कैनवास में, ड्राइंग शीट में करते थे पेंसिल की सहायता से, लेकिन वही चीज़ अब आपको कंप्यूटर में करना है माउस की सहायता से और दिए गए ये टूल्स की सहायता से, और कलर का इस्तेमाल करने के लिए इन कलर पैलेट का इस्तेमाल करना है। इसको शुरुआत में इसलिए सीखा जाता है ताकि हम इन टूल्स का उपयोग करते हुए कंप्यूटर में कैसे काम किया जाता है ये सीख जाएँ, और दूसरा हमको अच्छे तरीके से माउस से क्लिक करना, ड्रैग करना, सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएँ। इसलिए सबसे पहले पेंट ब्रश को सीखा जाता है। अब हमने जैसा बतलाया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर सीखा जाता है तो सबसे पहले तो उसका इंटरफेस मालूम होना चाहिए। तो इसके इंटरफेस के बारे में समझते हैं, फिर इनके टूल्स के बारे में समझेंगे, फिर इससे संबंधित एक्सरसाइज करेंगे और हमारा पेंट ब्रश जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने पेंट ब्रश को ओपन किया, इसकी विंडो में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ये है क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब कि जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वही ऑप्शन छोटे छोटे शॉर्टकट के रूप में आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे हमने ड्राइंग बना ली, अब हमको ड्राइंग को सेव करना है तो आपको इसके अंदर फाइल टैब में इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको क्विक एक्सेस टूल बार में यहीं पर मिल जाएगा। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर अगर जोड़ना है तो इस एरो में क्लिक करो, नई ड्राइंग बनाने का ऑप्शन जोड़ना है ये आपने क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ दिया, ओपन ऑप्शन ओपन का जोड़ना है ओपन को जोड़ दिया, प्रिंट का जोड़ना है आपने प्रिंट का जोड़ दिया, प्रिंट प्रीव्यू का जोड़ना है। तो ये कहलाता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। इस क्विक एक्सेस टूल बार को इस पर क्लिक करके शो बिलो द रिबन, रिबन की हम नीचे भी ले जा सकते हैं, इसको बोलते हैं रिबन,
ठीक है। उसके अलावा इसको हम शो अबव द रिबन, इसको हम ऊपर भी रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है फिर टाइटल बार, टाइटल बार में अभी लिखा हुआ अनटाइटल्ड, मतलब कि हमने अपनी ड्राइंग का कोई भी नाम नहीं रखा हुआ है। यदि हम अपनी ड्राइंग का नाम रख देंगे तो वो नाम यहाँ पर दिखलाई देने लगेगा, मतलब कि हम अपने ड्राइंग को सेव कर देंगे। उसके बाद आते हैं, इसको बोलते हैं रिबन। रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑप्शंस के ग्रुप दिए गए हैं रिबन में, और ये रिबन को तीन टैब में यहाँ पे बांटा गया है। ये है फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब। इन्हीं के अंदर ऑप्शंस के ग्रुप दिए गए हैं। जैसे होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ग्रुप दिया गया है, इमेज ग्रुप दिया गया है, टूल्स ग्रुप दिया गया है, शेप ग्रुप दिया गया है, कलर्स ग्रुप दिया गया है। तो यही ऑप्शंस के ग्रुप का इस्तेमाल करके और हमको ड्राइंग बनानी है और जो भी प्रैक्टिकल करना है वो इन्हीं का इस्तेमाल करके हमको प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ पर एक एक करके सारे ग्रुप के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन का यूज़ हम सीखेंगे, और ये सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं किसमें, ये पूरी जो पट्टी कहलाती है इसको बोलते हैं रिबन। उसके अलावा हमारा जो ये वाइट कलर का आपको एक एरिया दिखलाई दे रहा है इसको बोलते हैं ड्राइंग शीट। यहाँ पर आप पेंसिल लेकर के या अन्य टूल का उपयोग करके जो भी ड्राइंग बनानी है वो ड्राइंग हम बना सकते हैं। कंप्यूटर में सब कुछ हमको पहले ऑप्शंस के बारे में जानना है, उसके बाद हमको सोचना है कि इसमें हम क्या ऐसा क्रिएटिव जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये क्रिएटिव डिज़ाइन करना कोई नहीं बतलाएगा, एक्सरसाइज बतला दी जाएगी, क्या क्या प्रैक्टिकल करना है, क्या डिज़ाइन बनाना है वो बतला दिया जाएगा, कि कुछ नया जो बनाना है वो हमको खुद सोच करके बनाना है। ये कहलाता है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट पे स्क्वायर पर ले जा करके आप ड्राइंग शीट को इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्क्रॉल बार है, जब ड्राइंग शीट आपकी बड़ी हो जाती है, जूम कर लेते हैं तो ड्राइंग शीट को यहाँ वहाँ करके देखने के लिए आप इसको स्क्रॉल बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके यहाँ से इनके दिए गए टूल्स का उपयोग करेंगे। तो जैसा कि हमने पहला इम्पॉर्टेंट टूल्स बतलाया जिसका इस्तेमाल ड्राइंग करने के लिए किया जाता है, वो है पेंसिल। तो पेंसिल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, माउस की लेफ्ट बटन को दबाएंगे, और माउस की लेफ्ट बटन को दबाते हुए जो भी आप आकृति बनाना चाहते हैं वो आप आकृति यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन को दबा करके हमने ये माउस को चलाते जा रहे हैं और ये डिज़ाइन जो है वो बनती जा रही है। देखो माउस की लेफ्ट बटन हमने दबाई हुई है और यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करते जा रहे हैं, लाइन जो है वो ड्रॉ होती जा रही है। इसी दौरान यदि हमको जो पेंसिल हमने सेलेक्ट की हुई है उसका कलर चेंज करना है तो हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे कलर पैलेट में और इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने के बाद ये कलर वन में दिखलाई देगा, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर। ये है फोरग्राउंड कलर और ये है बैकग्राउंड कलर। कलर टू बैकग्राउंड कलर है, ये फोरग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर मतलब हमने पेंसिल सेलेक्ट की तो जो पेंसिल का कलर है वो यहाँ पर सेलेक्ट जो कलर है वो आएगा। जैसे ये देखिए पेंसिल हमने सेलेक्ट की थी उसका जो भी हमने कलर सेलेक्ट किया था अब वो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। कौन सा टूल हमने सेलेक्ट करके रखा है वो पता चलेगा कैसे, इस तरीके से ये रेक्टेंगल शेप में हमको थोड़ा अलग से दिखलाई देगा कि ये सिलेक्टेड टूल है। अब आप पेंसिल से जो भी चीज़ बना रहे हैं, पेंसिल में आप कुछ और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक तो था कि कलर चेंज कर दिया हमने। कलर चेंज करने के अलावा कीबोर्ड में यदि आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस की दबाएंगे, अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड चला रहे हैं तो कंट्रोल की के साथ प्लस की दबाएंगे तो उससे क्या होगा, पेंसिल की जो मोटाई है वो देखिए बदल जाएगी और अब हमारी पेंसिल जो है वो थोड़ा सा डार्क कलर में इस तरीके से बनेगी। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए ये इस कलर चेंज कर लिया और हम यहाँ पर चला रहे हैं तो पेंसिल की जो मोटाई है, जो लाइन हम बना रहे थे ड्रॉ करने वाली, वो थोड़ा सा और मोटी बनने लगी। तो इस तरीके से ये किसके द्वारा हुआ, कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के द्वारा। कलर चेंज करना है, हमने कलर चेंज कर दिया, ये देखो कलर चेंज हो गया इस तरीके से, और ये यहाँ पर जो है इस तरीके से पेंसिल चलाते जाएंगे और ड्राइंग हमारी बनती जाएगी। तो ये पेंसिल टूल का उपयोग है। कभी आप ड्राइंग बना रहे हो और ड्राइंग बनाते समय आपको कुछ चीज़ मिटाना है तो उसके लिए इरेज़र दिया गया, जैसे पिक्चर भी बनी हुई है, इरेज़र को हम सेलेक्ट करेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन हो गई है हमको डिलीट करना, एक्स्ट्रा लाइन को हम डिलीट भी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं बहुत बारीकी से आपको मिटाना पड़ रहा है, तो अगर आप ये चाहते हैं इरेज़र के भी साइज़ को बड़ा करना तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्लस से साइज़ को बड़ा करेंगे
और अब देखिए इरेजर का साइज बड़ा हो गया, और मिटाएंगे तो इरेजर मिटते जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल के साथ माइनस माइनस करेंगे तो इरेजर का साइज छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम पेंसिल सेलेक्ट किए हुए थे तो पेंसिल का साइज हमने कंट्रोल प्लस प्लस से बढ़ाया था, और कंट्रोल माइनस माइनस से पेंसिल का साइज जो है फिर से नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसी तरीके से टाइपिंग होने लगेगी कंट्रोल माइनस माइनस से। तो ये हो गया इरेजर टूल। इसके अलावा अगला टूल दिया गया फिल विथ कलर टूल। इसका उपयोग होता है जहाँ भी आपने कोई बंद शेप बनाया हुआ है उस क्लोज्ड शेप में यदि कलर भरना है तो फिल विथ कलर टूल का उपयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पेंसिल लिया, और पेंसिल लेने के बाद एक शेप हम यहाँ पर बनाते हैं और इस शेप को हम यहाँ पर पूरा बंद कर देते हैं। ये शेप पूरा बंद होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर शेप बंद नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी बतला देते हैं। जैसे कि हमने ये बनाया, अब ये शेप हल्का सा खुला हुआ है। अब यदि हम फिल विथ कलर टूल लेंगे और कलर जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये कलर पूरे में इसलिए आ गया क्योंकि ये यहाँ पर ओपन था। अब इन केस ऐसा हो जाता है आपके साथ तो आप क्या करिए कि अंडू कर सकते हैं। जैसे हमने अंडू में क्लिक किया, देखिए यहाँ से हट गया। फिर हमने पेंसिल लिया और पेंसिल लेकर के शेप को क्लोज कर दिया। शेप को क्लोज करने के बाद अब यदि हम कोई सा भी इसमें कलर भरेंगे तो अब ये कलर ले लेगा। तो इस तरीके से ये है फिल विथ कलर टूल, जहाँ पर कि बंद शेप में हम कलर भर सकते हैं। इसको हमने लिया, हमने ये कलर भरा। हम यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं पहाड़, उसमें भी कलर भरना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से तो ये शेप बंद था इसलिए इसने यहाँ पे भर दिया, लेकिन ये यहाँ पर खुला हुआ था इसलिए इसने यहाँ पर भी भर दिया। फिर से इसको हम अंडू करते हैं, पेंसिल लेते हैं और पेंसिल से इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये ओपन है, उस तरीके से आएगा। ये देखिए इस तरीके से अब आपने इसमें कलर कर दिया, ठीक है। तो ये फिल विथ कलर टूल है, जैसा इस्तेमाल करना अभी हम केवल आपको डेमो दिखला रहे हैं, आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया गया है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल किया जाता है, हमने इस पर क्लिक किया, हमको यहाँ पर कुछ भी टाइप करना है तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया मान लीजिए, जैसे हम टाइप करते हैं तो उसके साथ एक टेक्स्ट टूल टेक्स्ट टैब भी जुड़ जाती है, नई टैब। इसका ये फ़ायदा होता है कि हम इसको सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट की साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसकी साइज़ कर ली 14, इसको बोल्ड भी किया जा सकता है, इटैलिक भी किया जा सकता है, और यहाँ पर इसके इतने सारे फॉन्ट दिए गए हैं, इन फॉन्ट को भी जो है बदला जा सकता है। ये इन फॉन्ट को भी बदल सकते हैं, यहाँ से साइज और चेंज करनी है साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करना है कलर भी चेंज कर सकते हैं, और जो टाइप करना है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया नेचर, ठीक है, ब्यूटी, इस प्रकार से जो भी आपको देना है, उदाहरण के लिए मैंने बतलाया। और उसके बाद जब आप बाहर क्लिक कर देंगे, अब आप इसको यदि फिर से एडिट करने जाएंगे तो ये एडिट नहीं होगा। इसलिए उस समय जब भी आप टाइप करते हैं उसी समय इसकी स्पेलिंग सही रखें, उसी समय इसमें कलर सही दें, उसी समय इसका फॉन्ट चेंज कर दें, क्योंकि बाद में ये एडिट नहीं हो पाता है ना। बाद में टेक्स्ट की टूल तो जुड़ता है, लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद भी ये चीज़ें जो हैं प्रॉपर एडिट नहीं हो पाती हैं। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट टूल था। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया कलर पिकर टूल। ये कलर पिकर टूल का आप इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, तो क्या होता है कि कुछ कलर यहाँ पे तो दिए गए हैं, लेकिन कुछ कलर हो सकता है कि हम किसी बाहरी कोई इमेज से लेकर के आना चाहें, तो वहाँ से यदि कलर पिक करना है तो उसके लिए कलर पिकर का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे हम लेकर के आएंगे, हम यहाँ से किसी इमेज को पेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमने पेस्ट में गए, पेस्ट फॉर्म में गए, मतलब कि इमेज यहाँ पर कैसे लेकर के आएंगे वो चीज़ हम आपको बतला रहे हैं। तो जो भी आपके कंप्यूटर में इमेजेस है जिससे आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको ले आइए। ये जैसे इमेज हम एक लेकर के आए पेस्ट फॉर्म में जाकर के, इमेज को हमने ओपन कर लिया। ऐसी इंटरनेट से और भी कोई बहुत अच्छी नेचर की इमेज है या जहाँ से भी आपको कलर लेके आना है, ये एक इमेज है जो हमारे कंप्यूटर में सेव थी। अब इस इमेज से मान लीजिए हमको ये जो यहाँ पर पिंक सा कलर दिखलाई दे रहा है वो हमको कहीं पर इस्तेमाल करना है, तो हम लेंगे कलर पिकर टूल। और कलर पिकर टूल को लेने के बाद जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखो ये कलर यहाँ आ जाएगा। हो सकता है वो कलर यहाँ पर आपके कलर पैलेट में ना हो, लेकिन बाहर से कोई इमेज हमने डाउनलोड की और उस इमेज के किसी भाग का कलर लेकर के आना है तो वो कलर यहाँ पर आ जाएगा फोरग्राउंड कलर में। अब उस कलर का इस्तेमाल हम जैसे करना चाहें वैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने पेंसिल में ले लिया और उस कलर का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये कौन सा टूल हुआ, ये हुआ हमारा कलर पिकर
टूल, फिर हमने यहाँ से फिल विथ कलर टूल ले लिया और यहाँ से हमने इस पर भर दिया, देखिए कलर आ गया और ये कलर हमारे इसमें कहीं पर भी नहीं दिखलाई दे रहा है। और हम यहाँ से फिर से चेंज करना चाहते, फिर से हमने कलर पे कर ले लिया, इस बार हमको ये वाला कलर चाहिए, हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, इसको क्लिक किया और ये देखिए जहाँ भी आपको वो कलर इस्तेमाल करना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से है कि कोई भी इमेज आप लेकर के आते हैं, इमेज लाने के लिए पेस्ट में जाते हैं, पेस्ट फॉर्म में जाते हैं और वो इमेज आ जाती है और कलर पिकर से आप कलर को पिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है मैग्नीफायर, मैग्नीफायर में क्लिक करेंगे, इसका इस्तेमाल किया जाता है, देखो मैग्नीफायर इस तरीके से बन जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी आप कहीं पर भी इमेज के किसी भाग में क्लिक करेंगे वो इमेज जो है वो बड़ी हो जाएगी, जिससे आप उसमें आसानी से कहीं पर लाइन यदि छूटी हुई है तो उसको पूरा कर सकते हैं। ये देखिए डिज़ाइन को बारीकी से आप बना सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा टूल है? मैग्नीफायर टूल है। मैग्नीफायर टूल को हटाना है, कम करना है, व्यू टैब में जाएंगे, जूम आउट में क्लिक करेंगे और जूम आउट में क्लिक करते जाएंगे आपकी इमेज जो है नॉर्मल हो जाएगी, और जूम इन में क्लिक करते जाएंगे फिर से जूम इन हो जाएगी। 100% में डायरेक्ट क्लिक कर देंगे 100% में, तो डायरेक्ट 100% में आपकी इमेज आ जाएगी। तो ये क्या, कौन सा टूल हुआ हमारा? ये हो गया जूम टूल। अब आगे टूल की तरफ बढ़ते हैं, सभी प्रकार के टूल यहाँ के देख लिए। अगला टूल दिया गया ब्रश टूल। ब्रश टूल में क्या होता है, अलग अलग डिज़ाइन की ब्रश दी गई है, ब्रश है फिर ये आपको कैलीग्राफी वाली ब्रश है, इस ब्रश में क्लिक करिए, जो भी कलर सेलेक्ट करना कलर सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रश को इस तरीके से चलाएंगे, थोड़ा सा पेंसिल से ज़्यादा डार्क आपको लाइन वगैरह बनानी है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्रश टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्लस की का उपयोग हम करेंगे तो ब्रश की जो मोटाई है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। देखो ब्रश की मोटाई जो है इस तरीके से बढ़ती जाती है, ब्रश हमारी मोटी होती जा रही है। छोटा करना है इसको तो कंट्रोल के साथ माइनस माइनस प्रेस करेंगे तो ये ब्रश की मोटाई जो है वो कम भी हो जाएगी। तो यहाँ से ब्रश ये हो गई, अगली ब्रश होगी आपकी ये देखिए कैलीग्राफी ब्रश। अब इसके लिए अब अपन को नया पेज लेते हैं, पूरा भर गया है तो फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं और डोंट सेव कर देते हैं, अगली ब्रश का इस्तेमाल करते हैं कैलीग्राफी। अगर हमको कैलीग्राफी से लेकर के कुछ डिज़ाइन वगैरह बनानी है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कैलीग्राफी ब्रश का। कलर चेंज करना है कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ लिखना है हमको तो उसके लिए हम इसके लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये देखिए कैलीग्राफी का, कि हमको कुछ चीज़ें लिखना है तो उसके लिए हम उसको कैलीग्राफी स्टाइल में लिख सकते हैं। एक और भी ये भी ब्रश दी गई है कैलीग्राफी ब्रश टू, दूसरे प्रकार की ब्रश दी गई है, ठीक है। तो ये कैलीग्राफी ब्रश टू है, ये इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, ये देखिए। फिर इसके अलावा यहाँ पर ब्रश दी गई है एयर ब्रश टूल। एयर ब्रश टूल में इस तरीके से यहाँ पर हम कलर जो है वो भर सकते हैं, ये कहलाता है आपका कौन सा टूल? एयर ब्रश टूल। ये रहा एयर ब्रश टूल। एयर ब्रश टूल को यहाँ से आप जो है, अगर इसको अपन को क्या करना है, इसकी ब्रश को कलर को बढ़ाना, कंट्रोल प्लस प्लस यहाँ भी क्लिक करेंगे जब हम, तो यहाँ से ये देखिए इसका कलर जो है वो क्या हो रहा है, इसका कलर यहाँ से ये देखिए है ना, कलर और तेज़ी से फैल रहा है, ब्रश का साइज़ हमने बदल दिया। तो इसका उपयोग करके हम बहुत सारी डिज़ाइन बना सकते हैं, कहीं पर भी हमको इस तरीके का कलर करना है तो हम इस तरीके से कलर कर सकते हैं, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा हमको उस टूल का उपयोग करना है, उस ऑप्शन का उपयोग करना सीखना है। तो ये कौन सा टूल हो गया हमारा? ये हो गया एयर ब्रश टूल। एयर ब्रश टूल के अलावा यहाँ पर दिया गया है आपका अगला ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश ये क्रेयॉन्स, जैसे आपने देखा होगा पेंटिंग करते समय इस्तेमाल होता है, उस तरीके का क्रेयॉन्स हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो ये जब हम चलाते हैं तो कुछ उसी तरीके का टूल यहाँ पर चलता है, ये चल रहा है टूल। तो ये क्रेयॉन्स जो पेंसिल्स आती हैं है ना, मोम वाली पेंसिल जिनको बोलते हैं, कुछ उसकी डिज़ाइन यदि आपको बनाना है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये दिया गया है जिसका नाम है आपका ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश के अलावा दिया गया ये क्रेयॉन्स, इसी के बारे में मैंने बतलाया आपको, ये क्रेयॉन्स। अच्छा इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट डिज़ाइन बन रही है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी और डिफरेंट सी डिज़ाइन बन रही है। एक ऑयल ब्रश हो गया और एक क्रेयॉन्स की तरह चलेगा ये बिल्कुल, और ये वाला किसकी तरह चलेगा? ऑयल ब्रश की तरह। तो देखिए ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे जैसे बनी हुई चीज़ों को देखते जाते हैं तो हमको समझ में आते जाता है कि हमको क्या बनाना है ना।
अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले तो बनी हुई चीज़ को देखिए और बनी हुई चीज़ को बनाइए। जब बनी हुई चीज़ को बनाने लगते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि हम ये भी बना सकते हैं। वाटर कलर वाली ब्रश है तो ये वाटर कलर अगर आपको करना है कहीं तो वाटर कलर वाली ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग ब्रश दी गई हैं, ये भी ब्रश है, जैसे कि हमने अभी पेंसिल ब्रश का इस्तेमाल किया था उसी तरीके से ये ब्रश भी दी गई है। ये ब्रशेस से डिफरेंट टाइप की जो भी ड्राइंग बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं।